कल पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार पूरे जोर पर है। बाकी के चरणों के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे महाराष्ट्र के नांदेड़, जहां एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में आज प्रधानमंत्री अलग अलग जगह पर प्रचार कर रहे हैं। और दिन भर के चार चुनावी कार्यक्रमों की अगर बात करें तो पीएम मोदी अपनी पहली रैली उन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ में की और इंडिया अलायंस के साथ साथ राहुल गांधी पर बिना नाम लिए जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में इंडिया अलायंस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के परभणी में कुछ देर में वहां भी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और दोपहर बाद और शाम को कर्नाटक के चिकबल्लापुरा और बेंगलुरु में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली है। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची है आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा? 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए मुझे बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? और मैं तो मतदाताओं कहता हूं, आइए जी भर करके एनडीए को वोट दीजिए, पूरी ताकत से वोट दीजिए। एनडीए को वोट करना है, विकसित भारत के लिए वोट करना है। कांग्रेस गरीब, दलित, वंचित, मजदूर, किसान के विकास के सामने हमेशा दीवार बन के खड़ी है। आज भी एनडीए सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने को सही ठहरा रहे हैं, ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखंड बताकर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं, क्या ये माफ करने योग्य है क्या?